नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्रिय मित्र अश्वनी भाटिया। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पांच ऐसे एडिटर जो आप वेबसाइट डिजाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे फाइव फ्री एडिटर्स दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट वेबसाइट। आप इन एडिटर्स की मदद के द्वारा वेबसाइट बना सकते हैं, इनके अंदर आप कोडिंग कर सकते हैं। चाहे आप HTML लिखें, चाहे आप CSS लिखें, चाहे आप PHP लिखें, चाहे आप इसमें JavaScript लिखें, चाहे आप इसमें jQuery लिखें। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे टॉप फाइव एडिटर्स ऑफ HTML, PHP, CSS, JavaScript, jQuery एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे मैं एक एडिटर बताऊंगा जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। अब आप देखेंगे ये जो एडिटर है ये माइक्रोसॉफ्ट का एडिटर है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई अमाउंट माइक्रोसॉफ्ट को पे नहीं करना है। तो पहले नंबर पर मैं कहूंगा विजुअल स्टूडियो। इसके बाद आते हैं हम लोग सबलाइन पर। दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा एडिटर है जिसको आप इस्तेमाल करके इसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे विजुअल स्टूडियो की। आप देखेंगे विजुअल स्टूडियो को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो विजुअल स्टूडियो मैंने अपने सिस्टम में खोल लिया है और मैं इसको अब इस्तेमाल करना आपको सिखाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, विजुअल स्टूडियो के लिए आप देखेंगे मेरा विजुअल स्टूडियो खुल गया है। मैं एंगुलर पे काम कर रहा था इसलिए मेरे विजुअल स्टूडियो में एंगुलर पूरी खुली हुई है। अगर आप कोई पर्टिकुलर फोल्डर खोलना चाहते हैं तो आप ओपन फोल्डर पर जा सकते हैं। ओपन फोल्डर पर जाने के बाद आप डेस्कटॉप पर फोल्डर बना सकते हैं। जैसे मैं बना देता हूं अश्वनी विजुअल। अब आप देखेंगे मैंने एक फाइल बना दी जिसका नाम दे दिया। मैंने एक फाइल तो बाद में बनाते हैं, पहले फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देखेंगे मुझसे कह रहा है सेव कर लो, मुझे कुछ नहीं सेव करना, मुझे सिर्फ फोल्डर खोलना था। तो आप देखेंगे ये खुल चुका है। अब आपको इसमें डायरेक्ट फाइल बनानी हो, आप डायरेक्ट न्यू पर क्लिक कीजिए। आप फाइल बनाइए जिसमें लिखिए index.html। आप देखेंगे मेरा HTML पेज बन चुका है और मैं अब इसको कैसे काम करते हैं वो सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे इसमें क्या लगाना है, डॉक टाइप लगाना है HTML। मेरे को क्या करना है दोस्तों, इसमें मुझे सबसे पहले HTML टैग लगाना है। मैंने HTML टैग लगा दिया, अपने आप बंद हो गया। मेरे को हेड लगाना है, मैंने हेड लगा दिया। मेरे को टाइटल लगाना था, मैंने इसमें टाइटल लगा दिया। इसके बाद आप देखेंगे मैंने इसको देखा बॉडी टू बॉडी लगा दिया। दोस्तों, इसके कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप जैसे ही H1 लिखेंगे एंटर मार दीजिए, अपने आप आ जाएगा। आपको वो भी साइन लगाने की होती है ग्रेटर देन का और लेस देन का। उसके बाद आपको मान लो इनपुट बनाना है तो इनपुट लिखिए, यहाँ पर कॉलम लिख दीजिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट आ जाएगा। अगर आपको मान लो कोई डिव बनानी है जिसमें आईडी लगानी है रैपर, या एक क्लास लगानी है डिव में कंटेनर, तो मैं लिखूंगा डिव डॉट कंटेनर। देखेंगे ये भी बड़ा आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी विजुअल स्टूडियो की। तो आप इसको इस्तेमाल करना सीख गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इसको इस्तेमाल करने में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे सबलाइन की। सबलाइन भी एक ओपन सोर्स एडिटर है, इसके लिए भी आपको किसी को कोई अमाउंट पे नहीं करना। तो सबलाइन को भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देखेंगे आप मेरे सिस्टम में भी पड़ा हुआ है सबलाइन भी। इस पे अगर आपको काम करना हो तो मैं हटा देता हूँ उसको, एक मेरा पेज बनाया हुआ था मैंने। आपको क्या करना है, बस यहाँ पर लिखना है HTML। जैसे ही आप HTML लिखेंगे एंटर मार दीजिए, इसका जो भी डिटेलिंग होती है पेज में, जो स्ट्रक्चर ऑफ HTML होता है, वो ऑटोमेटिकली ये डिफाइन कर देता है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया होम पेज। आप इसमें भी बड़ा आसान कर होता है काम करना। अब डिव लिखिए, एंटर मार दीजिए, डिव आ गई। डिव में आईडी लगानी है, आईडी लगा दीजिए, रैपर आ गया। अब आपको रैपर के अंदर एक हेडर बनाना है, डिव के अंदर आईडी लगा के हेडर बना दीजिए और डिव को बंद कर दीजिए, अपने आप बंद हो जाता है। तो दूसरा एडिटर था सबलाइन। दोस्तों, तीसरा मैं बात कर रहा था ब्रैकेट्स की। ये अडोबी कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है ब्रैकेट्स, जिसको भी आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको किसी को कोई अमाउंट पे नहीं करना है। तो दोस्तों, आप देखेंगे मैं एक ओपन फोल्डर कर लेता हूं
और ओपन फोल्डर करने के बाद आप देखेंगे मैं यहाँ पर जाता हूँ डेस्कटॉप पर और मैं एक पेज बना देता हूँ जिसका नाम है अश्वनी ब्रैकेट्स, इसको मैं सेलेक्ट फोल्डर कर देता हूँ। इसमें मुझे फाइल बनानी है, मैं न्यू फाइल पर क्लिक करूँगा। मैंने यहाँ पर डाल दिया index.html, आप देखेंगे html पेज आ गया। मुझे डॉक टाइप बनाना था, मैंने डॉक टाइप html बना दिया। मेरे को html बनाना है, साथ के साथ होता गया, सजेशन आते गए, मैंने सजेशन पर क्लिक करता गया और मेरा कंटेंट इसमें आता गया। तो दोस्तों ये है तीसरे नंबर के आईडी का जिसे हम कहते हैं ब्रैकेट्स। इसको डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पर जा सकते हैं, लिख सकते हैं ब्रैकेट्स एडिटर, या आप देखेंगे brackets.io इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये Adobe कंपनी का है सॉफ्टवेयर, आपको इसमें कहीं ना कहीं सोर्सेज में मिल जाएगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग नोटपैड प्लस प्लस की। दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा एडिटर है और मैं इसको आई थिंक 10 साल से यूज कर रहा हूँ। ये भी काफी पॉपुलर है, ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है। मेरे शायद सिस्टम में है नहीं ये, और क्योंकि अब मैं ज्यादातर ब्रैकेट सबलाइम या विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल करता हूँ। आप देखेंगे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इंस्टॉल करके आपको अभी दिखा देता हूँ कि इस पर कैसे काम करते हैं। तो देखेंगे दोस्तों ये इंस्टॉल हो रहा है मेरे सिस्टम में और विद इन अ सेकेंड में ये इंस्टॉल हो जाएगा और मैं इसको रन कर लेता हूँ। इस पर कैसे काम करते हैं, इस पे काम करने के लिए आप देखेंगे सबसे पहले मैं न्यू फाइल पे जाता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ और सेव एज पे क्लिक कर देता हूँ। और सेव एज पे क्लिक करने के बाद मैं अगेन डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेता हूँ अश्वनी नोटपैड। आप देखेंगे मैंने इसका नाम लिखा .html लगा दिया। दोस्तों इसके साथ बहुत ये भी सजेशन देता रहेगा आपको, साथ के साथ आपको जो बंद करना है साथ के साथ सजेशन देता रहेगा, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो दोस्तों ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बहुत बहुत लाइट वेट, क्योंकि मेरे को याद है अच्छी तरह कि जब हम लोग स्टैटिक वेबसाइटों पे काम करा करते थे और हमारी जेक्वेरी वगैरह जावास्क्रिप्ट वगैरह होती थी वेबसाइटों पे, तो वो फाइल्स बहुत जल्दी खुलती नहीं थी ड्रीमवीवर पे, तो हम लोग इस एडिटर का इस्तेमाल करते थे उस टाइम पर। दोस्तों बहुत अच्छा एडिटर है, आप इस्तेमाल करके देखें। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे एटम की। एक एटम एडिटर होता है, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, मैं लिख देता हूँ एटम एडिटर। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देखेंगे ये भी ओपन सोर्स है, फ्री है, आपको किसी को कुछ पे नहीं करना। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होने में, और डाउनलोड होने के बाद फिर मैं इसको आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे काम करते हैं। दोस्तों ये भी एक ओपन सोर्स एडिटर है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जितने भी एडिटर्स मैंने आपको बताए हैं, इन सारे एडिटर्स में आप किसी भी लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं जो कि एक वेब डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि HTML हो गई या उनसे रिलेटेड कुछ स्टाइल शीट्स हैं या जावास्क्रिप्ट है या jQuery है, आप किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। दोस्तों ये जो एडिटर्स हैं इनके साथ आपको सबसे बड़ी चीज है कि ये ओपन सोर्स है, इसके लिए आपको किसी को कोई अमाउंट पे नहीं करना है। दोस्तों ये थोड़ा टाइम ले रहा है डाउनलोड होने में, आई थिंक दे रहा है 1 सेकंड रिमेनिंग, बस इसको वेट करते हैं उसका और इसको इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में। इंस्टॉल डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल के लिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। रिफ्रेश कर देता हूँ, रन कर सकते हैं। ये कह रहा है इसकी आई थिंक कोई फाइल लोकेटेड नहीं है मेरे सिस्टम में। दोस्तों आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा। एक बार और चेक कर लेता हूँ कि दिक्कत क्या हो सकता है, मैंने इसको जो इंस्टॉल किया है वो किसी और वर्जन के लिए या कोई कर्नल फाइल मेरे सिस्टम में है। इसका आप देख सकते हैं, मैं लाइव एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ऑनलाइन इसकी इमेजेस हैं, ये देखेंगे ये एडिटर बिल्कुल सेम ब्रैकेट की तरह है, आप इसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझसे कोई चीज पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर दोस्तों ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।